हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बनाऊंगी पापलेट फ़िश करी। तो मैं पहले ना नमक हल्दी लगा के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बिट्टू को ना मसाला पापलेट फ्राई ज़्यादा अच्छा लगता है, करी इतना पसंद नहीं है। अभी तो मेरा घर पे फिश बहुत ही कम बनता है, बच्चे लोग को अंडा ही बना के देती हूँ और 10-15 दिन छोड़ छोड़ के चिकन। तो मैं ना हमेशा राई का ऑयल में ही नॉनवेज बनाती हूँ। जो लोग राई का ऑयल नहीं खाते हैं उन लोग के लिए बता रही हूँ, राई का ऑयल में स्मेल नहीं आता है। क्या करने का, जब कढ़ाई में राई का ऑयल डालने का तभी गैस फास्ट कर देने का, उसका जो कच्चा स्मेल है ना वो चला जाता है। तो एक बार ट्राई करने का, अच्छा नहीं लगेगा तो आपका चॉइस का हिसाब से ऑयल डालने का। तो ये देखिए मेरा फिश फ्राई हो गया, गोल्डन ब्राउन कलर करके फिश को फ्राई करना है। तो चलिए मैं अभी मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो मैं पहले दिया है जीरा, काला जीरा, नॉर्मल जीरा, फिर ओनियन, गार्लिक। गार्लिक अच्छे से फ्राई होने के बाद अदरक जीरा का पेस्ट, टोमेटो, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अभी ना मार्केट में ना टोमेटो बहुत ही कड़ाकार है, तो ढक के पकाने से भी नहीं पक रहे, पानी यूज़ करना पड़ रहा है। अभी तो हम दोनों फिश नहीं खाते हैं बोल के लेके भी नहीं आते हैं, और बच्चे लोग ना सब फिश नहीं खाते हैं। तो बिट्टू को फिश नहीं चाहिए, उसको झींगा ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी उसको डॉक्टर ने झींगा खाने के लिए मना किया है। तो इसीलिए ना फिश अभी लेके ही नहीं आते हैं, और पापलेट उसको जो जबरदस्ती करके खिलाना पड़ता है। और समझ सकती हूँ निशा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है फिश, क्योंकि मैं भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। आप लोग को एक कहानी बोलती हूँ। शादी से पहले ना मैं जब मायके में मेरा घर पे जब फिश नहीं बनता था तब भी मैं ना खाना नहीं खाती थी और रोती थी, और मेरा ना आजू बाजू में सबको पता चल जाता था जो आज मेरा घर पे फिश नहीं बना है। तो मेरा फ्रेंड्स लोग ना मुझे चिढ़ाते थे, कैट आ गया, कैट को आज फिश नहीं मिला बोल के ऐसा चिढ़ाते थे मुझे। वो दिन बहुत याद आता है, अभी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये देखिए मेरा फिश करी रेडी हो गया, कैसा बना कमेंट्स करके बताना ज़रूर। तो चलिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और मेरे चैनल में नया तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना। अगला वीडियो में फिर से